नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए आज चने दाल से एकदम 2 कप चने से पूरा परिवार के लिए हेल्दी और टेस्टी हलवाई से भी अच्छा और हेल्दी लड्डू बनाएंगे, जो कि खाते ही बोलेंगे आहा हा क्या लड्डू है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 कप हम चने दाल को हम फुला लिए थे 4-5 घंटे के लिए और अच्छे से धो के हम छान लिए हैं और देखिए किस तरीके से फूल चुका है, ये नाखून से टूट रहा है। तो चलिए आगे क्या करते हैं देखते हैं। आगे इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिक्सर के जार में ले लेंगे और बिना पानी के इसको पीसेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसना है और बिना पानी के पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए कितना अच्छा सा दरदरा पिसा गया है ना, बस इसी तरीके से हमें इसे पीसना था। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप कुटनी से भी कूट सकते हैं, मसाला कूटने वाले में, या तो फिर आप सिलपट्टे पे इसको भी चूर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, आप देखेंगे तो बराबर एकदम हलवाई से। आप सोचेंगे कि मैं इतना दिन से तो मैं हलवाई से मैं चीनी वाला और तेल वाला लड्डू खा रही थी, एकदम अनहेल्दी वाला। तो फ्रेंड्स, आज से बाहर के लड्डू खाना छोड़ देंगे और घर पर ही बनाएंगे। सारे चने के दाल हम मिक्सर में पीस लिए। देखिए अब इसे क्या करना है, घी लेना है। आप अगर घर पे लड्डू बनाते हो तो घी में बनाइए ना, तो बाहर से और घर से क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि घर पे हेल्दी बनाना है। और घी लीजिए, देसी घी लिए हैं और घी गर्म होने के बाद बस इस तरीके से हम डाल रहे हैं। देखिए जैसे आप वड़ा वगैरह बनाते हो ना, कचौड़ी, बस उसी तरीके से डाल देना है। और एक तरफ 3 से 4 मिनट पकने देना है मीडियम आँच पे, गैस को हाई नहीं करें, मीडियम पे पकाएं। और इस तरीके से जब ब्राउन हो जाए एक तरफ से, देखिए कितने से इसे गोल्डन हो गया है, उसी तरीके से दोनों तरफ पका लें, इसे उलट पलट के अच्छे से पका लें, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर तक पकेगा। गैस हाई करके पकाएंगे तो बराबर नहीं पकेगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम गैस पे पकाएंगे फ्रेंड्स, तो दोनों तरफ अच्छे से पक जाएगा। देखिए एकदम गोल्डन कलर आएगा और मस्त एकदम करारे करारे ये बन के हो जाएगा रेडी। देख रहे हैं ना कितना एकदम कुरकुरे एकदम बन के हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बने आप वीडियो के साथ बने रहेंगे ना, तो आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आपको लड्डू बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, एकदम परफेक्ट टेस्टी और हेल्दी लड्डू बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये पक चुका है, देखिए कितनी करारी करारी बन के हो गया ना एकदम, बहुत ही कुरकुरा, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में, देखिए, और एकदम घर पे एकदम बहुत ही कुछ सामान में आप कम पैसे में, जितना बाहर से ला के खाते हो उसे आधे पैसे में आप बना के हेल्दी लड्डू बना के रेडी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम 2 बार छाने थे, तो दोनों हम अलग अलग बर्तन में निकाले हैं, क्योंकि एक ठंडा है और एक गर्म है, तो इसीलिए हम दोनों को अलग अलग रखे हैं। देखिए ये गर्म वाला है और ये पहले हम बनाए थे, ठंडा हो चुका है, तो पहले हम ठंडा वाला इसको मिक्सर में फिर से पीसेंगे। देखिए जब तक हम इसको पीसेंगे ना, तब तक दूसरा ठंडा होएगा, इसलिए मैं 2 भाग में अलग अलग बर्तन में निकाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस दरदरा पीसना है। देखिए इस तरीके से पीस के रेडी करना है, साड़ी में रख दिया ये भी ठंडा वाला, और इसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। देखिए एकदम बहुत ही अच्छा दानेदार लड्डू बन के तैयार होगा, अगर जब आप मेरे वीडियो देखोगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप देखोगे और ध्यान में रखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लड्डू बनेगा, हलवाई से भी अच्छा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी हम जो ठंडा वाला है उसे हम पहले पीस लेंगे। आप इसे तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही वाटर डालोगे तो पर भी ये मिक्सर में पिसा ही जाता है, आप तोड़ के भी डालिए तो पर भी अच्छे से पिसा जाएगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें 4-5 इलायची लिए, हरी इलायची, आपके पास इलायची का पाउडर है तो भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे 4 इलायची को अच्छे से दाना निकाल के ले लिया है और छिलका इलायची का फेंक दिया है। देखिए सारे इलायची हम यहाँ पे फोड़ के डाल दिया और इसे हम पीस लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा, खुशबू आएगा इलायची वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, सब पिसा के रेडी हो रहा है, अब लास्ट बचा है जिसे हम पीस लेते हैं। और घी हम अलग कर लिए हैं, देखिए इतने ही बचा है और ये थोड़ा सा घी के अंदर था तो लास्ट वाला, तो ये भी घी है इसमें और चना के दाल है तो वो भी हम ले लिए। अब इतना आप तेल से फ्राई करते तो तेल सूख जाता फ्रेंड्स, तो पेट में जाता तो अनहेल्दी हुआ ना, तो इसलिए हम घी से फ्राई किए। देखिए
अच्छे से हम सारे जो हम बनाए थे चने दाल का कचौड़ी, हमने सारा इसमें पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल और कितना एकदम दानेदार पिसा के रेडी हो गया। देखिए, है ना दानेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देखिए, 2 कप चने का दाल हम पीसे हैं यहाँ पे। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने, जितना पे आप चना के दाल फुलाए थे ना, उससे आधा हम चीनी लिए हैं और चीनी से आधा पानी लिए हैं। अब अगर 2 कप चना का दाल है तो 1 कप चीनी लीजिए, आधा कप पानी लीजिए। इसको चाशनी नहीं बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बस उबलने लगा इस तरीके से, जब उबलने लगे तब आप डाल दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे हम थोड़ा डालेंगे कलर, क्योंकि कलरफुल लगेगा ना, बाजार जैसा एकदम हलवाई जैसा लगेगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप कलर डालो, लेकिन हमने यहाँ पे डाला है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और सारे हम यहाँ पे चना पिसा हुआ यहाँ पे हम डाल देंगे, आधा आधा करके डाल देंगे, मिलाने में आसान होगा। ऐसी भी ये गुठलियाँ नहीं बनेगी क्योंकि ये दानेदार है, इसमें घी है, तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। देखिए, मिला दिए हैं और ये सारे बचे हुए हमने पिसा हुआ चने का दाल डाल दिया है। देखिए, है नहीं कमाल की बात, कितनी। अब ये है, अगर हलवाई वाले के पास खाएंगे तो आपको पता है चने से ज़्यादा शक्कर यूज करते हैं उन लोग, यानी कि चीनी इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा, और मीठा भी लगता है। तो इसे क्या करना है फ्रेंड्स, चाशनी में अच्छे से पकाना है, अच्छे से मिला देना है, और इसके ऊपर तरबूज का दाना यानी कि वाटरमेलन सीड्स जो बोलते हैं, वो यहाँ पे डाल देना है, तभी तो अच्छा लगेगा ना देखने में। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड्डू में रहता है तो बहुत ही अच्छा अपने को आकर्षित करता है देखने में, और टेस्टी भी लगता है। देखिए, इसे अच्छे से पकाना है और गैस को एकदम मध्यम रखना है, बहुत ही ज़्यादा कम रखना है और कम गैस पे इसके पकाना है। जो थोड़ा थोड़ा इसका कच्चापन होगा ना, वो निकल जाएगा और चना के जो है वो अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे, जो घी उससे बचा था, हम जब छान रहे थे ना चना का कचौड़ी तो उसी से बचा था, तो वही घी हम 2 चम्मच डाल दिए यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में, और ऐसा लगेगा कि हमने कहीं बढ़िया एकदम बहुत ही महंगा हलवाई से ये वाला लड्डू बनवाया है, और आपको कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपने बनाया है। तो फिर यहाँ पे हम 3 मिनट ढक दिए थे ताकि थोड़े अच्छे से पक जाए, और ये अच्छे से चला लेना है। देखिए कितनी दानेदार है, आपको अभी लग रहा होगा कि इसे लड्डू कैसे बनेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पक चुका है अच्छे से, और इसे हम गैस पे से उतार लिए हैं और इसे कुछ देर तक ठंडा होने देंगे। इसको हम इस तरीके से थोड़ा चलाएंगे ना तो जल्दी ठंडा होएगा, पूरा ठंडा नहीं करना है, जब जहाँ तक आपका हाथ से आप उंगली से पकड़ पाओ ये दाल को, मिश्रण को, तब ये बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ज़्यादा ठंडा होएगा ना तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ा गर्म में बनाएंगे तो परफेक्ट परफेक्ट लड्डू बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हाथ हम सह रहे हैं, यहाँ पे हम पकड़ पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा घी लगा लिए हैं। ऐसी भी घी है इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप घी लगा सकें, इसमें घी ऑलरेडी है दिया हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सुंदर लड्डू बन रहा है। देखिए, एक ही हाथ से हमने लड्डू बना के रेडी किया, एकदम परफेक्ट और टेस्टी लड्डू बन के हो गया ना तैयार। देखिए, चलिए एक और लड्डू बना के हम दिखाते हैं आपको। बस इसी तरीके से लड्डू बनाना है, और बहुत ही आसान सा काम है फ्रेंड्स। यही हम नहीं काम आलस की वजह से नहीं करते हैं, और कोनो त्यौहार हो या फिर शादी हो, बर्थडे हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, हम बाहर से मिठाई खरीद के लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे लड्डू बन के हो गया तैयार। तो चलिए, ये गर्मा गर्म लड्डू हलवाई से भी अच्छा और हेल्दी लड्डू को एंजॉय कीजिए, और सबसे पहले मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले आपके फ़ोन में घंटी बजे और आपको पता चले कविता राणा रेसिपी क्या बनाई है, और ये लड्डू, ये रेसिपी आपको कितना अच्छा लगा, और ये हेल्दी कितना हमने मेहनत से बनाया फ्रेंड्स। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा बनाया है हमने, और आपको कैसा लगा और कितना पसंद आया, और आप लोग ने कभी बनाए थे कि नहीं। बिल्कुल झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है, और आप अगर
कोई भी लड्डू लेते हो तो 200 लगता ही है अपने साथ। मैं गारंटी देती हूँ कि 200 से आप 150 के अंदर घी में लड्डू बना के तैयार करेंगे, वो भी हेल्दी और टेस्टी। और खाने में तो आपको ये लड्डू आप बना के रख दीजिए और हफ्तों महीनों तक खाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और एकदम देखिए कितना दानेदार है, आपको तोड़ के दिखाते हैं। आह हा, कितना मस्त बना है ना फ्रेंड्स, देखिए है ना कमाल की बात। कितना कम सामान में एकदम हेल्दी लड्डू बना के हमने तैयार किया है, वो भी हम 10 से 12 मिनट में। वीडियो को हम ज़्यादा कटिंग नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ओरिजिनल दिखा रहे हैं। अब मेरा वीडियो देख के बनाइए और दानेदार लड्डू बन के होगा तैयार, तो आप ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।